आठ लोग कल पकड़े गए हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी लोग पकड़े जाएंगे, कल भी पकड़े जाएंगे और 22 तारीख की परीक्षा में भी पकड़े जाएंगे। जो लोग अपने बदले दूसरे को परीक्षा दिलवाते हैं उनकी तो ये भी जांच होनी चाहिए कि वो बीएड कैसे पास किए, वो एसटीईटी की परीक्षा कैसे पास किए। जो सॉल्वर गैंग हैं, जो कैंडिडेट हैं, उन सभी को आगे की परीक्षाओं के लिए हमेशा के लिए बैन करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। कल बिहार में TRE3 की परीक्षा शुरुआत हो गई और कल जो है मध्य विद्यालय के लिए 2 लाख से अधिक कैंडिडेट परीक्षा देने के लिए विभिन्न जिलों में विभिन्न सेंटरों पर शामिल भी हुए। आपको बता दें कि कल जो है अटेंडेंस 70% के आसपास रही और आपको हम बताते चले कि बिहार में परीक्षाओं में इतनी कड़ाई बरती जा रही है, लगातार पेपर लीक या गड़बड़ी रोकने के लिए हर एक आयोग पूरी तरह से जी जान झोंके हुए हैं, लेकिन देखिए कितने दुस्साहसी लोग भी हैं। अब कल ही की परीक्षा में आपको बता दें कि 8 जो हैं वो फर्जी कैंडिडेट पकड़े गए हैं जो किसी दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। ऐसे में आयोग के द्वारा ये साफ निर्देश दिया गया है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी करते हैं तो आगामी 5 वर्षों के लिए आपको आयोग की हर एक परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और ऐसे में देखिए कि 8 लोग फिर भी शामिल हुए। पिछले साल भी TRE1 TRE2 में बहुत सारे कैंडिडेट पकड़े गए फर्जी और उनको बैन भी किया गया। ये सब जानने के बावजूद भी कल 8 लोग पकड़े गए हैं, आज भी पकड़े जाएंगे। 22 तारीख तक ये परीक्षा चल रही है और पकड़े जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेटर हैं, सॉल्वर गैंग के मेंबर हैं जो कि इन रिस्क को उठाते हैं। उन्हें लगता है कि हम भेद पाएंगे इतने जो लेयर की जांच होती है उसको, और भेदते भी हैं। 8 पकड़े गए हैं, न जाने कितने होंगे जो दूसरे के बदले देने आए ही होंगे और परीक्षा दिए भी होंगे, निकल भी गए होंगे। लेकिन जो पकड़े गए अब उनका करियर जो है एक तरह से कहा जाए तो अब अंधकारमय हो गया, क्योंकि बिहार में शिक्षक की बहाली अब BPSC को ही लेना है। और बताएं आपको कि जो 8 लोग पकड़े गए हैं BEd किए होंगे, STET पास किए होंगे, यानी कहा जाए तो उनका जो है शिक्षक बनने के लिए ही वो सारा मेहनत किए और परीक्षा देने के लिए दूसरे को बैठा दिए। ऐसे में वो तो पकड़ा ही गया और आप भी जो हैं 5 साल के लिए प्रतिबंधित हो गए। आपको बता दें जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक कि TRE3 की पुनर्परीक्षा शुक्रवार को 1 पाली में आयोजित की गई। पहले दिन मध्य विद्यालय के शिक्षक भर्ती के लिए हुई परीक्षा में विभिन्न जिलों से 8 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। सबसे ज़्यादा पूर्णिया से 4 अभ्यर्थी पकड़े गए, पटना से 2, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से 1-1 गिरफ्तारी हुई। BPSC की ओर से बताया गया कि पूर्णिया में एक अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह 14,000 रुपये लेकर अन्य अभ्यर्थी के बदले परीक्षा में शामिल हुआ था। आयोग के अनुसार पकड़े गए अभियुक्त पूर्व में भी नाम बदलकर परीक्षा में शामिल हुए थे। अब ऐसे अन्य अभ्यर्थियों की भी जाँच की जा रही है जो गलत पहचान से परीक्षा में शामिल हुए हैं। आयोग के सचिव मोहम्मद कयासुद्दीन ने बताया कि आगे की परीक्षाओं में भी जांच जारी रहेगी। आपको बता दें कि जो परीक्षा है उसके स्वरूप में जो है वो परिवर्तन किया गया है और कल की जो परीक्षा हुई वो 19,664 पदों के लिए हुई थी, जिनमें 2,13,000 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन उपस्थिति जो है वो 70% के आसपास रही। नए तरीके से जो है वो क्वेश्चन की छपाई की गई, उनको दिया गया, मल्टी कलर क्वेश्चन थे। और बताएं आपको कि ये सब होने के बावजूद भी जो सॉल्वर गैंग के मेंबर हैं पैसे के लिए, और जो कैंडिडेट हैं वो भी खोजते रहते हैं कि हमें वैसे कुछ कैंडिडेट मिले जो मेरे बदले में परीक्षा दे दें। अब तो सबसे बड़ा ये बात लगता है कि जो लोग अपने बदले दूसरे को परीक्षा दिलवाते हैं उनकी तो ये भी जाँच होनी चाहिए कि वो BEd कैसे पास किए, वो STET की परीक्षा कैसे पास किए। और आरोप ये भी लगता है कि STET और जो भी शिक्षक के लिए परीक्षा होती है योग्यता निर्धारण के लिए, उसमें भी बड़े पैमाने पर सॉल्वर गैंग के मेंबर बैठते हैं और वो उन्हें इस परीक्षा को पास करवाते हैं। तो बता दें 8 लोग कल पकड़े गए हैं
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी लोग पकड़े जाएंगे, कल भी पकड़े जाएंगे और 22 तारीख की परीक्षा में भी पकड़े जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि परीक्षा माफिया ही जो हैं वो बिहार की परीक्षाओं में संदमारी करने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्रेरित किया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो तैयारी से ज़्यादा परीक्षा माफियाओं के ही चक्कर में रहते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ पाएगा, कैसे जो है सॉल्वर गैंग को बैठाया जाएगा, और यही उनको प्रेरित करता है। धन की आस में, लालच में वो परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे छात्रों को चिन्हित कर बीपीएससी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो सॉल्वर गैंग हैं, जो कैंडिडेट हैं, उन सभी को आगे की परीक्षाओं के लिए हमेशा के लिए बैन करना चाहिए। तो बता दें आपको हम कि कड़ाई इतना होने के बावजूद भी, पेपर लीक होने के बावजूद भी अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। कल 8 लोग पकड़े गए, न जाने कितने नहीं पकड़े जा सके होंगे, और ये सिलसिला 3 दिन भी जारी रहने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।